हमारे बहुत से साथी आज भी पूछते हैं, सॉरी भाई हम पानी जांच करना चाहते हैं, हम पानी जांच करना सीखना चाहते हैं। और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो पानी जांच करना सीख चुके हैं। और इस सभी के मन में एक क्वेश्चन खड़ा रहता है, बार बार यही क्वेश्चन लोग करते हैं कि सॉरी भाई चप्पल पहनकर या जूता पहनकर या सैंडल पहनकर पानी जांच करने से और बिना चप्पल पहने पानी जांच करने से क्या अंतर होगा। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो चप्पल पहनकर ही पानी जांच करते हैं, उनकी आदत बन गई है। वे लोग सभी अपने अपने मत से काम करते हैं, जिनका जैसा विचार आता है वो काम करते हैं। उसके बावजूद मुझसे पूछते हैं, और पूछते कब है, जब उनकी बोर में धूल उड़ती है। तो जब तक बोर में धूल नहीं उड़ेगी, उनका काम बनता रहता है, तब तक नहीं पूछते। सॉरी भाई को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब उनका काम फेल होना शुरू हो जाता है तो मुझसे पूछते हैं कि सॉरी भाई वहाँ पर हमारी गलती हो गई, उस बोर में 1200 फीट तक की ड्रिलिंग हुई, उसके बावजूद भी धूल उड़ी है, ऐसा क्यों? क्या हम चप्पल पहनकर पानी जांच किए थे, इसीलिए हमारा परिणाम गलत आ गया क्या? कई साथी यह भी पूछते हैं कि सॉरी भाई जिस एरिया में मैं पानी जांच किया हूँ उस एरिया में तो पानी अच्छा है, लेकिन मेरा एक ऐसा बोर है जिसमें पानी कम निकल रहा है, तो उसका क्या कारण है? बहुत तरह तरह के प्रश्न करते हैं हमारे साथी लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में देखना भी, ज़्यादातर जो तिरफट प्रश्न पूछते हैं ना वो पानी जांच करने वाले हैं, क्योंकि मेरी बात उनको चुभ जाती है तो अपना गुस्सा को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कमेंट करके निकाल देते हैं। आज मैं इन्हीं पर दो चार बातें आप लोगों को बताऊंगा। पानी जांच तो करेंगे, हमारा उद्देश्य है, लेकिन हम उन बातों को भी बीच बीच में रखें जो आज समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, उसे लेकर तरह तरह की विविधताएं हैं और उनमें सच क्या है, इसको हमें पब्लिक में रखना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको देख सके और सत्य और असत्य के बीच में एक निर्णय ले सके और एक अच्छा प्रयास करते हुए पानी जांच कर सके और सबको पानी मुहैया करा सके। यह हमारा उद्देश्य है। तो भाई मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, पानी जांच करने से पहले चप्पल नहीं पहनना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, पानी जांच करने से पहले चप्पल बिल्कुल नहीं पहनना है, जूता बिल्कुल नहीं पहनना है और सैंडल तो बिल्कुल भूल कर नहीं पहनना है भाई, ठीक है, पहनना ही नहीं है। इसका कारण यही है, आप लोग अपने घर में अर्थिंग और फेस दो वायर रहता है ना, आप अर्थिंग में तो उतना ज़्यादा आपको करंट का एहसास नहीं होगा, ना के बराबर होती है, आप फेस को पकड़ लेना चप्पल पहनकर, है ना, ऐसे पकड़ोगे, देखो ये है, इसको ऐसे पकड़ लिए तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ करंट नहीं मारेगा, चप्पल पहना है तो, ठीक। अब बिना चप्पल के ऐसे दूर से भी चले जाओगे तो झटका मारना शुरू हो जाएगा, हाथों में कंपन आ जाती है, सही बात है ना, प्रैक्टिकल कर लेना। हमारी माताएं बहनें भी घर में यही बोलेंगी, जो नहीं पढ़ी लिखी वो भी बोलेंगी कि भैया चेयर के ऊपर खड़े हो जा, या बोलेंगे ये लो भैया पीढ़ा इसके ऊपर खड़े हो जा, क्योंकि वो भी पता है कि इसमें खड़े होने से करंट नहीं आएगा शरीर में, ठीक। ये हो गया, तो इतना सब कुछ हम लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी हम चप्पल पहनकर पानी जांच करते तो कहाँ तक सार्थक है, पूरा पूरा गलत है। कई लोग दिखावा के लिए चप्पल पहनते हैं, अब कई लोग उसमें कैपेसिटी नहीं होती है चार कदम चलने की, इसलिए वो चप्पल जूता पहनकर चलते हैं। भाई बता दिया ना भाई, एक वीडियो में मैं बोला हूँ एसी में पैदा लिया है, अब एसी से ही जीवन चल रहा है, खेत का मेड़ नहीं देखा है, सांवा बताओ चूहका बन कैसा होता है उसको पता नहीं है, अब वो लिख दिया अपने नाम के आगे, नेम प्लेट घर में चिपका दिया, पानी एक खोज, क्या हो गया वो, जो आदमी खेत का मुंह ही जीवन में कभी नहीं बांधा है,
ठीक बोल रहा हूँ ना, मुही को भी कभी नहीं बांधा है, वो लिख देता है पानी की खोज अमुक नाम, नीचे मोबाइल नंबर, आदमी भटक रहे हैं। पानी जांच करने वाला नहीं लिखेगा, पानी एक खोज। ठीक है भैया, आप बड़े हो हम छोटे हैं यार, हम तो पानी जांच करने वाले हैं। कोई लिख देगा पानी की तलाश, भयानक भयानक वर्ड करेंगे। और ये इस वर्ड का इस्तेमाल लोग करते हैं जो एसी में पैदा लिए हैं, ठीक। और कुछ लोग ये भी बोल देंगे भूजल सर्वेक्षक। अरे भैया, तरह तरह की बात करते हैं इसमें, 99% 99 भी कह दूं तो यार कम है, 99% 99% लोग कभी खेत का मुंह ही नहीं बांधे हैं। ऐसे लोग तो आज बड़े बड़े लेबल चिपका के चल रहे हैं। सबको पानी जांच करने वाले, दुनिया भर के नाम बदल बदल के लिखने वाले, पानी जांच करने वाले, लास्ट में वही है। सबको मेरा एक ही सलाह है, सौरी भाई का सलाह है कि भाई आप लोग पानी जांच करते समय चप्पल मत पहनो। और किसानों को भी मैं यही बोल रहा हूँ, अगर जो पानी जांच करने वाले आपके खेत में आए ना, चप्पल पहन कर चले तो उनको तुरंत भगा दो, भगा दो यार, कोई मतलब नहीं है। धूल उड़ाना है तो भाई रखो, ऐसे लोगों का 100 में से का जगह तुक्का लग गया तो पानी निकल जाता है भाई, है ना। अब नहीं, ज़्यादातर नहीं निकलता, फैल ही होता है। मैं अपनी लाइफ में देखा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ यार, इसलिए बोल रहा हूँ जो जूता चप्पल पहन का आए ना उनको भगा ही दो, बोल दो भैया दूर से जय जोहार, पास में लाकर गले मिलने की जरूरत नहीं है, दूर से ही जय जोहार कर दो, इसमें भलाई है। जो आदमी दो कदम भी ना चल सके यार, क्या वो पानी जांच करेगा? नंगे पैर दो कदम चलने की कैपेसिटी जिसमें नहीं है वो क्या पानी जांच कर लेगा? भाई दो चार कदम कहीं बचा देगा, तुक्का मार के चला गया, कहीं निकल गया तो बोल देगा निकल गया। ऐसे लोग क्या करते हैं भाई, कहीं पर वो ड्रिलिंग होता रहता है ना, तो वहाँ आदमी भेज दिए रहते हैं, वहाँ का वीडियो बना लेंगे और कह देंगे कि देखो हम बोर जांच किए थे कितना पानी निकला। भाई काम सॉरी भाई नहीं करता, ये लोग 500-700 रुपये गाड़ी वाले को दे देंगे और बिल्कुल वीडियो बना लेंगे और दिखाएंगे देखो हमारा जांच ऐसा वैसा वैसा वैसा, तरह तरह के ढोंग यार। तो भाई आप लोग इन सब बातों में सावधानी बरतना। और जितने भी कमेंट करते हैं हमारे चैनल में या डायरेक्ट फ़ोन करके पूछते हैं, सबको मेरा एक ही सलाह है भाई, चप्पल जूता सैंडल पहन कर पानी जाँच मत करो, बिल्कुल नहीं करना है यार, आगे से करना ही नहीं है, जितना किए कर लिए, अब आगे के लिए सतर्क हो जाइए। अगर आप लोग जूता चप्पल पहन के करोगे ना, तब पब्लिक देख रही है, हमारे किसान भाई देख रही है, आपको भगा देगा भाई, ठीक है ना, आपकी रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए अब जूता चप्पल सैंडल पहनकर बिल्कुल पानी जांच नहीं करना है, ठीक। अब चलिए अब हम इस खेत में पानी जांच करते हैं। तो मैं दो चार कदम पीछे चल रहा हूँ, ठीक है भाई। और जो भी क्वेश्चन रहता है यार सॉरी भाई, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कर दिया करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था जिनका मैंने आंसर दे दिया। अब चलो पानी जांच करते हैं इस खेत का। हमेशा के लिए भाई, हमेशा की तरह हाथ को ऐसे रखना है कि इसके ऊपर ये नारियल है, पूरा फुल पानी है, इसको ऐसे रख देना है। अब इधर इतना जगह छोड़ना है कि उठे तो पकड़ते बन जाए, ठीक। ये ऐसे नहीं रखना है, ऐसे ही रखना है। हनुमान जी ने पहाड़ उठाया तो ऐसे उठा के लाया ना, ऐसे करके तो नहीं लाया हो भाई। हनुमान जी ने पहाड़ को उठाया तो ऐसे उठाया, ऐसे उठता है। देख लो कई लोग क्या बोलते हैं, सॉरी सर सामने की उंगली को क्यों ऊपर कर दिए? तो भाई कैसे, ऐसे नीचे करूँगा तो कैसे नारियल रुकेगा बताओ? ऐसे करूँगा तो नारियल रुकेगा क्या? नहीं, हनुमान जी उठाए तो ऐसे उठाए ना, ऐसे उठाना है भाई। बिल्कुल हनुमान जी का वो फोटो देख लेना, उसका वीडियो चलता है ना रामायण सीलम, उसको भी देख लेना। और ऐसे उठाए हैं, बिल्कुल ऐसे उठाना है, हमें हनुमान जी का अनुसरण करना है, कैसे उठाए थे पहाड़ को बिल्कुल उसी अंदाज में उठाना है, ठीक है। ये ऐसी, अब हम पानी जांच करते हैं। चलिए भाई, ये हम दो तीन कदम चल लिए हैं लेकिन नारियल कुछ नहीं हुई वहाँ तक। यहाँ पर नारियल देखो, देखो ये हमारा पिछला कदम, ये वाला कदम ड्राई है,
और ये वाला कदम पैर को भी दिखा देना भाई, देखो देखना ये पिछला जहाँ खड़ा हूँ वहाँ ड्राई है लेकिन नमी है, बाहर नहीं जा रही है। कई साथी पूछते हैं कि सॉरी भाई कहीं पर नारियल पीछे नहीं, जैसे आगे नहीं बढ़ती पीछे नहीं होती, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर क्या है, नमी है, गीला है, दलदल है, ठीक। ये हमारा अगले कदम देख लो भाई, ये ऑटोमेटिक ये उठा दिया, यहाँ पर कुछ है ये। अब ये देखते हैं कि ये धार किधर है। हाँ यहाँ पर है भाई, देख लो भाई, ये। अब इसको यहीं से देखना पड़ेगा कि धार की चौड़ाई कितना है। इसको यहाँ पर रखते हैं, अब इसको बड़ा वाला पत्थर ला के यहाँ पर रख देते हैं, यही जगह है, ठीक। यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है नारियल देखते हैं। इस हिस्से में है, थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा ऐसे, ठीक। नारियल यहाँ पर काम कर रही है, ये अब देखते हैं काम करती कि नहीं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, ये हो गया। इधर से इधर आ जा भाई, अब देखते हैं कि नारियल इस साइड से कहाँ पर जाती है। हाँ ये यहाँ तक इसको भी रखते हैं, और यहाँ पर इसका यहाँ पर देखें, इसके इस किनारे में नहीं है, देखो इतना आधे हिस्से में इधर नहीं है पानी, इसको इधर ले जाना पड़ेगा थोड़ा ऐसे, ये और ये। अब देखना भाई, देखो ये वाला पैर में पानी आ गया है, देखो पानी ऐसी है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पानी है लेकिन यहाँ पर पानी कम है, इधर फैला है। उठा उसका कारण ही, इधर आ जाओ भाई, उठने का कारण है कि ये पैर में पानी है, देखो इधर। अब देखते हैं इन दोनों पत्थर में क्या है। हाँ ठीक, पानी है, इसमें भी पानी है। अब कितनी पानी है, एक बीता दो तो लगभग लगभग तीन बीता पानी है, मतलब 1.5 फीट पानी है। लोग तो 2 इंच पानी खोजते हैं, लेकिन यहाँ तो 18 इंच की चौड़ाई है। अब 18 इंच की चौड़ाई में कितना HP का मोटर चल जाएगा यार, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब क्या बीच में क्या सिचुएशन रहेगी, चलो देखते हैं भाई। ये तो ये सिचुएशन है, देख लो ये पानी। अब कई साथी पूछे हैं कि ये कितना पानी, इसकी स्पीड कितना पता चलेगा, तो इसका स्पीड यहीं से पता चलेगा कि इसकी गहराई पे कैसा जाता है हाथ, हमारा वजन कितना आता है हाथ पर, नारियल कितना वजन छोड़ता है, ये बहुत तरह की प्रश्न होती है। तो यहाँ पर पानी है, फेंक रहा है नारियल ये, अब लाख प्रयत्न भी कर लोगे तो उधर नहीं जाएगी, बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पानी है। अब देख लो भाई, स्लो मोशन में ही देख लो यार, अपने तरफ आ रही, तो यहाँ पानी है यहाँ पर। हाँ कई बार साथी बोलते हैं कि 2 धार 3 धार, यहाँ पानी की धार इतनी चौड़ी कि यहाँ दूसरा और तीसरा चौथा धार खोजने की ज़रूरत नहीं है, एक ही धार काफ़ी है, ठीक। तो चलो भाई इधर आगे चलते हैं, एक धार इतना मिला है हमको यहाँ आराम से 5 HP का मोटर चल जाएगा, शुरुआत में ही हमको मिल गया है, ठीक है। तो इस जगह को हम छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। चलिए ये देखो, ये पिछला वाला जो पैर रख रहा हूँ, इधर से दिखा दे भाई, ये पिछला वाला पैर जो, देख लो भाई मेरा पैर को, पैर भी दिखा दिए, जहाँ ये पैर जा रही तो पानी है, जहाँ खड़ा वहाँ ड्राई है, ड्राई मतलब इतना ऐसा ड्राई नहीं कि एकदम कठोर वाला है, नमी वाला है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे क्या कंडीशन है, ये नमी है। हमारे साथी पूछते हैं कि पानी जहाँ पर थी उड़ती है लेकिन पानी नहीं रहता, गीला रहता, कैसा पता चलेगा? तो ये देख लो भाई, यहाँ से उदाहरण देख लो, ये ऑटोमेटिक नारियल कंपन कर रही है, इसका मतलब यही कि यहाँ पर नमी है,
पानी फैला हुआ है, लेकिन पानी की धार वो है जहाँ पर हमने दिखाया है। तो यहाँ नारियल कंपन कर रही, इससे समझ जाना हमारे कई पानी जांच करने वाले क्या करते हैं, वो जहाँ पर आ रही इधर से अगर जांच करते हैं तो यहीं पर वो खड़े हो जाएगा, बोले कि हाँ मुझे पानी कहाँ साफ हो रहा है, क्योंकि यहीं पर पानी लगवा देगा। लेकिन यहाँ पर धूल उड़ेगी, कुछ दिन चलेगा 10-15 मिनट, उसके बाद फैल हो जाएगी बोर, यहाँ पर पानी नहीं चलेगा। तो पानी तो वहाँ पर है, पीछे धार पानी की पीछे है, ये केवल फैला हुआ पानी है, देखो कम का हो रहा है। ये 1 HP का चलेगा, यहाँ 5 HP का नहीं चलेगा। ये कंपन है देख लो भाई, ऑटोमेटिक है, स्लो मोशन में भी देख लो, अच्छी तरह से देख लो यार, बाद में फिर मत कहना। ये देखो, ये अगर ऐसे हो जाता तो मान के चलो कि 3 HP का चलता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, देख लो ये तो ये 1 HP का है। चलो यहाँ से छोड़कर अब आगे बढ़ते हैं। ये इधर देखो, ये बाहर जा रही है, इधर ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, बाहर जा रही, लेकिन गिर नहीं रही है, इस बात को भी ख्याल रखना। नारियल बाहर जा रही है, लेकिन बाहर से वहाँ पर जाके चिपक गई है उंगली में, लेकिन गिर नहीं रही है, फिर वापस आ रही है। ये देखो इसका क्या मायने है, चलिए मैं बता देता हूँ। वीडियो भले लंबा बने यार, लेकिन बता रहा हूँ, यहाँ वहाँ से पानी की धार से जैसे हम निकले, गीला आया, उसके बाद कुछ दूर तक ड्राई आई, उसके बाद नारियल बाहर जाके रुक गया, गिरा नहीं है। गिर जाता तो ड्राई था, पूरा ड्राई था, एक बूंद पीने के लिए भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ नहीं गिरी। उसका कारण यही है कि यहाँ पर पानी पतली से फैली हुई है, पतली सी। यहाँ पर बोर करोगे तो गीला निकलेगा, थोड़ा बहुत पानी निकलेगा, लेकिन धूल नहीं उड़ेगी। अब इधर हम जब आ रहे हैं, नारियल अपने तरफ तेज़ी बता रहा है, तो इसका कारण ये है कि वहाँ पर पतली फैली हुई है, यहाँ पर उससे थोड़ी मोटी है, लेकिन पानी की धार यहाँ नहीं है, पानी फैला हुआ है। इस चीज़ को देख लो भाई, ये देख लो, ऑटोमेटिक देख लो। हमारा वीडियो है यार, बिना किसी एडिट का रहता है ना, लंबा बनता है ज़रूर, क्योंकि हम पूरी बात बताते हैं। देखो हिल रहा है, यहाँ पर एक 1.5 HP का चल जाएगा, लेकिन पानी संतोष परत खेती किसानी के लायक नहीं है। देख लो ऑटोमेटिक हो रहा है यार, मैं उंगली से अपना कोई कलाकारी नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, देख ही लिया ना, ये देख लो भाई ऑटोमेटिक, हमें पानी की और धार नहीं मिली है। इन सब का मतलब क्या है, नमी इधर चल रहा है, क्या पानी उधर से आई है, नहीं। इस बात को भी समझिए, पानी अंदर में बह रही है ना, तो इसी तरफ से जाके बह रही है, वहाँ पर खाई है, उसमें पानी जाके समा रही है, और वहाँ पर धार मोटी हो गई है। पानी यहाँ इधर से जा रही, इस हिस्से से पानी बह बह के जा रही है, और वहाँ पर नदी है, जैसे कि नहर में रहता है ना, ऊपर से पानी नहर में गिरती है, उसके बाद नहर से एक जगह इकट्ठे होकर बहती रहती है, वैसी वो हिस्सा है, इधर फैली हुई है पानी, इधर भूलकर भी पॉइंट नहीं लगाना है। कहीं पर भी हाथ नारियल हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, तो ऐसे मत कह देना कि यहाँ पर पानी है। देखो भाई, पानी जांच करने वाले भाई भी देख लो यार, ऐसे भी हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसा पानी जांच करने वाला हो जो मेरे को गाली ना बकता हो भाई, क्योंकि मैं सही सही बात बोल देता हूँ तो चुप जाती है यार, क्या करोगे, सच तो कड़वी होती है, आदत बन गई, सही बात बता देते हैं यार, अच्छा लगेगा तो बढ़िया है भाई, नहीं तो अपने घर में बीवी बच्चे के सामने बैठ लेना और गाली बकते रहना, और क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। अरे कैमरामैन हंसता है यार, सही बात बोलते हैं तो सब हंसता है। चलो ये देख लो, ये हिल ही रहा है, इससे समझ लो ऐसा वीडियो कोई भी पानी जांच करने वाला नहीं बना सकता, ना कोई बताएगा, नहीं बताएगा यार, ए सॉरी भाई है जो युवा पीढ़ी के लिए बताते चल रहा है, अब ना कोई आगे नहीं है ना यार, पीछे है, किसके लिए देखे जाए, इसलिए पूरा अपनी जितनी भी कला है, विद्या है, सब देश का नाम समर्पित है। देख लो भाई ऑटोमेटिक हिल रहा है यार, देखो इस सब का मतलब यही है, पानी
इधर से फैले हुए रूप में गई है, फैले हुए, जैसे खेत में पानी चारों तरफ फैला रहता है, निकले के निकलता मुँह से है ना, वैसी है, पानी फैली हुई सब तरफ से जाके पानी वहाँ जाके इकट्ठा हो रही है। हमने शुरू में स्टार्टिंग में जो पॉइंट पकड़े हैं ना, धार पकड़े, वही मेन है, बाकी सब इधर एक ही 1.5 HP का है। ये देख लो भाई, ऐसा नज़ारा तो आज तक किसी भी देश के यूट्यूबर ने नहीं बनाया है, ना पानी जांच करने वाले ने बनाया है। देख लो भाई, इस खेत की सीमा यहीं पर समाप्त हो गई है। देख लेते हैं आपको है क्या, नहीं है, नहीं है, इस खेत की सीमा यहीं पर समाप्त हो गई। पानी की धार वहीं पर है, सिंगल धार है, लेकिन हमारे कई साथी बोलते हैं कि सिंगल धार से काम नहीं बनेगा, डबल धार, ट्रिपल धार, चौपल धार होना चाहिए, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिंगल धार भी अच्छी हो जाए ना, तो डबल ट्रिपल के ही पाइस पाल के मत रखना। एक धार में भी बहुत दम होता है, शेर एक बच्चा पैदा करता है ना, सुअर दर्जनों, तो सुअर से ज़्यादा कीमती किसका बच्चा होता है, शेर का ना, दमदार कौन है। तो वैसी एक धार मिल गया हमको दमदार, वहीं पर लगा देना है, जहाँ पर हम मिट्टी रखे थे ना स्टार्टिंग में, वहीं पर पानी लगा देना भाई। निकलेगा 5 HP का पानी, दबा के निकलेगा, टेंशन नहीं लेने का यार, ठीक है। सॉरी भाई का वीडियो अच्छा लगे ना तो यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना सॉरी भाई या किसान का बोर, हमारा वीडियो वहाँ मिल जाएगा यार, ठीक है। सॉरी भाई करने से भी अपना वीडियो निकलेगा, किसान का बोर सर्च करोगे तो भी निकलेगा, ठीक है। हमसे किसी प्रकार की कोई बातें पूछना है, कोई सुझाव लेना है, कोई मार्गदर्शन लेना है, तो फ़ोन कर लेना यार, रात्रि 8 से 9 बजे के बीच में। हमारा मोबाइल नंबर है 7000716599। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में सॉरी भाई को। जय जोहार यार, जय जोहार, जय जोहार।